एक फॉर्मूला फॉर सक्सेस, ठीक है, ये मैं हमेशा तुम लोग को बताऊंगा कि ये बहुत ज़रूरी है। क्या है? ए हैज़ टू बी ग्रेटर देन आर। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मैं 1.5-1.5 लाख स्क्वायर फीट की 2 बिल्डिंग का नक्शा बनवा रहा हूँ और जितना आर्किटेक्ट को पैसा देना है उसके लिए भी प्लानिंग हो रही कि कहाँ से आएगा, क्योंकि आर्किटेक्ट भी इंडिया का सबसे जो कॉस्टलीस्ट सबसे बड़े आर्किटेक्ट फॉर्म्स है उनको मैंने लिया है ताकि कुछ अच्छी चीज़ बना सकूँ। बार बार तो लाइफ में बना नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मेरे पास रिसोर्स, ए स्टैंड फॉर रिसोर्स, ए स्टैंड फॉर एम्बिशन, आर स्टैंड फॉर रिसोर्स। तुम्हारे एम्बिशन हमेशा तुम्हारे रिसोर्स से बड़े होने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट नॉट? तुम्हारे पास जो भी रिसोर्स है, तुम्हारे पास जो भी रिसोर्स है, तुम्हारा नॉलेज, ताकत, क्षमता, जो कुछ भी है, डिग्री, गांव का बैकग्राउंड, पापा का पैसा, जो कुछ भी रिसोर्स है उससे ज्यादा एम्बिशन। यस और नो? धीरू भाई अंबानी, ये सारे लोग जो भी सफल हुए उनका एम्बिशन क्या था? नरेंद्र भाई मोदी, उनका एम्बिशन क्या था? रिसोर्स से बड़ा बड़ा। तो तुम अपने रिसोर्स से, अपने नॉलेज से, कि मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को ब्लॉकचेन नहीं आता, कुछ नहीं, सब आ जाएगा। हमेशा रिसोर्स से आगे सोचो, ठीक है? नीरज एक्सेल सीख लो, बता दे रहे हैं। सीख सकते हो, कुछ मुश्किल का मेगा मैम को अकाउंटिंग में, नो, अकाउंटिंग मेरे से नहीं होगा। आज अकाउंटेंट मेरा भाग जाता है, कोई अकाउंट हैंडल नहीं होता है, मेगा मैम सीए को अकाउंट दिखाती है, सीए बोलता है परफेक्ट, शी इज नॉट एन अकाउंट स्टूडेंट, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट? तो कोई काम सीखने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। मल्टी टैलेंटेड, मल्टी वर्सटाइल, ठीक है? तुम लोग को वो क्या कहते हैं, हरफन मौला, और वो क्रिकेट में क्या कहते हैं, ऑलराउंडर, ठीक है ना? बैटिंग भी, बॉलिंग भी, फील्डिंग भी, ठीक है ना? ऑलराउंडर बनना है, ठीक है? ऑलराउंडर का डिमांड रहेगा हमेशा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट?